जहाँ वर्ष वर्ष धरी राज्य सरकार शुणी नहांती ता नूतन भावे बयन और हस्तंत शिल्प विभाग मंत्री भावे दायित्व ग्रहण करथिबा कोटपाड़ विधायिका पद्मिनी दियान समाधान करिवे बोली कोटपाड़ बुणाकार आशा बांधिछंती। राज्य सरकार सेमानक वर्ष वर्षर दाबी को अणदेखा कर देइछंती बोली पद्मश्री सम्मान पाइथिबा बुणाकार गोवर्धन पानिका अभियोग करिछंती। पद्मश्री सम्मान पाइथिबा व्यक्तिंकु केते भत्ता देबे एवं अन्यान्य जातीय और राज्य स्तरीय सम्मान पाइथिबा बुणाकार केते भत्ता पाइबे से नै गत वर्षक मध्यरे बैठक परे बैठक बसीथिले बि राज्य सरकारक द्वारा चूड़ांत होइ पारु नथबा चिंतार विषय। ठीक से हीपरी नवरंगपुर जिले में सेमानक बंधु बांधव को अनुसूचित जातिर मान्यता मिलता बेले कोटपाड़ में से ही जातिर परिवार साधारण वर्ग में रही जाती जहाँफल से पाने शिक्षा और चाकरी क्षेत्र में सरकार मिलूता सुविधा सुजोग पाइव वंचित होता जितिय स्तर सम्मान पाई बुणाकार विद्याधर महंत जनई पद्मिनी दवान आसिले आमर बुणाकार भाई मानकर आईटीआईटी खोलवापी आम ठीक निर्णय करूँ आउ आईटीआईटी खोलले बहुत बार लोक सुविधा पाईपर आगे से ट्रेनिंग शिखलापर मैं इंडस्ट्री सूता कारखाना हो खदी का हैंडलूम्रे हो जो हो चाकरी इटा आमर आशा अच्छी आमर जो बुणाकार भाई मानकर कोटपाड़ बुणाकार भाई मानकर मंगल हम तर सब सुविधा हम ये हाँ सर आम भाभी पार नु सर एम पद्मिनी दियान टेक्सटाइल मंत्री हेले आमको बहुत खुशी लगला सर आमर कोटपाड़ अंचल झील निश्चय आमर दुख शुणवे कोटपाड़ सब कथा बुझे से आम तुम निर्वाचित करलु आ बहुत खुशी लगला सी आसे आम जहाँ आमर ये अच्छी असुविधा सीटा आम कहले से शुणवे विश्वास अच्छे सर आम बहुत खुशी लगला।